नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक्सेस आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। जिस लास्ट वीडियो पे हमने चर्चा करी थी तो कुछ मूलभूत चीजों पे हमने चर्चा कर ली थी। आज हम कई मुद्दों पर बात करेंगे, खासकर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेकर के, उसके सिलेबस को लेकर के, और क्या चीजें हैं जो आपको तैयारी के दौरान या एग्जाम देने के दौरान आपको पता ही होनी चाहिए। ओके, और ये शुरू हो जाता है जैसे ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है, आपको फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं, वहीं से आपकी गति को पकड़ना है। तो ऑनलाइन आवेदन 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तारीख है 29 जनवरी 2024। ओके, ये लास्ट होगा। तो अब या तो इसको अंतिम तिथि मान लो, क्योंकि एक अगर आपने 29 तक परीक्षा शुल्क नहीं जमा किया, उसके बाद आप आवेदन करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऑनलाइन आवेदन जो लास्ट सबमिशन होगा वो अंतिम तिथि 2 फरवरी है। ओके, तो 29 जनवरी और 2 फरवरी में दो चीजें आपको क्या है कि आपने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया हो और फीस पेड कर दी हो 29 जनवरी तक। ओके, 29 जनवरी तक अगर आपने फीस पेड कर दी और लास्ट सबमिशन नहीं किया तो वो लास्ट सबमिशन आप 2 फरवरी तक कर सकते हैं। सबमिशन में कोई सुधार करना है या संशोधन करना है उसकी लास्ट डेट 9 फरवरी रखी गई है। और जो महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है वो ये है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ओटीआर पंजीकरण करना और ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना ओटीआर के यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो जिन लोगों ने ओटीआर फॉर्म फिल कर दिया है उनके लिए तो वो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या ओटीआर नंबर के माध्यम से आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। और जिन्होंने ओटीआर कल लिए आवेदन नहीं किया है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है ओटीआर नंबर के बिना ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जाना संभव नहीं होगा, यानी इम्पॉसिबल है बिना ओटीआर के। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर नंबर प्राप्त नहीं किया है ऑनलाइन आवेदन करने से 72 घंटे पहले, ठीक है, यानी 3 दिन पहले, मान लिया आपको 5 तारीख को रजिस्ट्रेशन करना है तो आप अपना ओटीआर आज के दिन ही या 3 तारीख में, 4 तारीख में, 5 तारीख में अगर आप करते हैं तो उसके 3 दिन बाद आप ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं यूपीपीसीएस प्री के लिए। ओके, और ऑनलाइन सबमिशन ओटीआर के लिए कहां किया जा सकेगा? otr.pariksha.nic.in पे, यहां से आपको ओटीआर नंबर मिल जाएगा। ओटीआर नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट upsc.upsc.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिन अभ्यर्थियों के पास ओटीआर नहीं है वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लें otr.pariksha.nic.in पे। ओके, यहां से आपका जैसे रजिस्ट्रेशन 3 दिन बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाएगा ओटीआर का, और उसके माध्यम से ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं। सेकेंड निर्देश क्या किया गया, अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसमें सारी जानकारी जो पूछी गई है वो अगर भरी नहीं गई होगी। दूसरा, अगर किसी भी स्तर पर परीक्षणोपरांत या तथ्य प्रकाश में आया कि उम्मीदवार कोई सूचना छिपाई गई, मान लिया काफी सारे लोग फर्जी सूचना दे सकते हैं या हो सकता है कुछ चीजें बदल सकते हैं, है ना, अथवा गलत भरी गई, तो उनका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अर्थात आपने कोई भी अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन भरी, उसका 9 फरवरी तक अगर उसका संशोधन नहीं किया तो आपका अभ्यर्थन परीक्षा के बाद भी निरस्त किया जा सकता है, है ना, और चयनों से उसे डिबार किए जाने की कार्यवाही की जाएगी। अगर आपका चयन अंतिम रूप से हो जाता है, फिर अगर पाई जाती है कि आपने कोई तथ्य छुपाया था तो आपको डिबार घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों यथा ओटीआर, फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन, त्रुटि सुधार इत्यादि की सूचनाएं सॉफ्ट और हार्ड कॉपी के रूप में भविष्य हेतु सुरक्षित या सुनिश्चित कर लें। सपोज करो आपका प्रीलिम्स हो जाता है, है ना, और आपने ऑनलाइन ये कोई भी सूचना इकट्ठी नहीं करी थी, ये सूचनाएं लास्ट सबमिशन तक यानी लास्ट जब आपका एग्जाम होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद मांगे जाने पर आपको देनी पड़ेंगी। अभ्यर्थियों को देखो ब्लैक बोर्ड अक्षरों में लिखा है, अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर वे अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी को प्रेषित ना करें। यानी ये कहा गया है कि अभी आपसे हार्ड कॉपी नहीं मांगी गई, मांगे जाने पर दी जाएगी। ओके, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन आवेदन में किए गए समस्त दावों के समर्थन में समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित
प्रतियां आयोग के निर्देशानुसार यथा समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाएगा। ये साफ पांचवें नंबर छठे नंबर पे साफ कहा गया है कि कोई भी अगर ऑनलाइन आवेदन आपने किया है तो उसकी हार्ड कॉपी यानी आपको उसके प्रिंटआउट करा के रख लेने हैं, है ना। और ऑनलाइन आवेदन करते समय जो भी आपने उसके समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत किए थे, जैसे जाति प्रमाण पत्र, है ना, आपने मान लिया आपको रिजर्वेशन चाहिए, है ना, आपको एज में छूट चाहिए, तो उसके संबंध में फीस के लिए समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित यानी अपने सिग्नेचर के साथ आयोग के निर्देशानुसार समय संलग्न कर प्रस्तुत होगा। आयोग द्वारा पृथक से प्रेषित विज्ञप्ति के माध्यम से आपको बताया जाएगा उसकी विशेष। आगे विशेष सूचना, अब ओटीआर में जैसे रजिस्ट्रेशन करना है तो या तो ओटीआर के माध्यम से कर सकते हैं, ओटीआर में जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, सभी सूचनाएं एमएस ईमेल के जरिए प्रेषित किए जाएंगे, तो ऐसे कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, ओटीआर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम लागू है ना, और आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट अभ्यर्थी द्वारा क्लिक करने पर वन लाइनर एडवाइस स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें यूजर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे ना यूपी, तो जहां पर एडवर्टाइजमेंट पोर्शन दिया गया है वहां पर क्लिक करेंगे तो एक तरफ नोटिफिकेशन का नाम है ना, यूजर इंस्ट्रक्शन आएंगे, उसके बाद व्यू एडवर्टाइजमेंट आएगा, अप्लाई का आएगा, है ना। तो अगर आपने पहले से कभी तो पुराने उसको अगर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के तो उससे हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो ये कई जगह पर मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कई चीजें आपको पता होनी चाहिए। प्रथम चरण अप्लाई क्लिक करने के लिए ऑथेंटिक ओटीआर प्रदर्शित होगा, यानी ये करने के बाद हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन प्रदर्शित होगा, जिससे अभ्यर्थी यस या नो पर टिक करना होगा। यदि अभ्यर्थी यस पर टिक करते हैं तो गो बटन पर क्लिक करना होगा, इंटर ओटीआर नंबर प्रदर्शित होगा, फिर धीरे धीरे आवेदन की प्रक्रिया ऐसे बढ़ेगी, ओटीपी के माध्यम से आगे बढ़ जाएगा। तो ये है, नो पर क्लिक करोगे तो सर्वप्रथम आवेदक को आयोग की ओटीआर वे पोर्टल पर जाकर के आपको ओटीआर पंजीकरण कराना होगा। द्वितीय प्रथम प्रक्रिया ये जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद स्क्रीन पर एप्लीकेशन डैशबोर्ड का स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा, है ना। अभ्यर्थी को संबंधित आवेदित पद के सापेक्ष एप्लीकेशन पार्ट टू के अंतर्गत सबमिट पर क्लिक करना होगा, है ना। इसी के माध्यम से बाकी सारी डिटेल आप भरेंगे। विज्ञप्ति के लिए निर्धारित की गई अधिमानी अर्हताएं, जो भी है ना योग्यता निर्धारित की गई है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको ये होना चाहिए, आपके पास ये डिग्री होना चाहिए, वो सब वहां प्रदर्शित होंगे। उनके सम्मुख आपको यस या नो का चुनाव करना होगा। तो तृतीय चरण में क्या होगा, पश्चात फी कंफर्मेशन विंडो का स्क्रीन होगा, आप प्रोसीड फॉर फी पेमेंट कर देंगे, यस पर क्लिक करेंगे तो SBI MOPS आ जाएगा, होम पेज प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तीन माध्यम प्रदर्शित होंगे, तो नेट बैंकिंग होगा, कार्ड पेमेंट होगा, अदर पेमेंट मेथड होगा जैसे UPI, है ना, फोन पे वगैरह से आप कर सकते हैं। कार्ड पेमेंट में क्रेडिट और डेबिट कार्ड दोनों एक्सपेक्ट कर लिए जाएंगे। नेट बैंकिंग में आपके पास जो भी बैंक है आपका, उसका यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए, ओके। तो पेमेंट ट्रांजेक्शन स्लिप प्रदर्शित होगी, अगर आपने पेमेंट कर दिया है, अगर आपका डन हो गया है तो प्रदर्शित होगी, अगर आपका डन नहीं हुआ है तो आपको कुछ टाइम वेट करना होगा जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता, है ना। तो ये करना होगा, बात समझ में आ गई ना, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो फिर ओटीआर बेस्ड के माध्यम से ऑथेंटिफिकेशन पिन क्लिक करके आवेदन है तो अनिवार्य रूप से शुल्क का भुगतान कर देंगे। अगर आपका शुल्क में कोई दिक्कत आती है तो आयोग की वेबसाइट पर उसके मेल पर आप मेल करके जानकारी कर सकते हैं। चतुर्थ चरण में क्या होगा, अब प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, आवेदन हो चुका है तो प्रिंट आउट भाई, उसके पश्चात पूर्ण करने के पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आ जाएगा, स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा पूरा, स्क्रोल करेंगे तो नीचे तक सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो उसको क्या करना है, आपको उसकी एक सॉफ्ट कॉपी निकाल लेनी है, सॉफ्ट कॉपी के बाद आपको हार्ड कॉपी भी चाहिए, काम लगेगा उसका, है ना। तो ये सारी चीजें करनी है। अब आवेदन शुल्क क्या है, अनारक्षित और आर्थिक वर्ग्स कमजोर वर्गों के लिए देखो, जनरल, ओबीसी, EWS, इन सब के लिए जो शुल्क सीमा है वो ₹100 है ना। प्रक्रिया और ₹25 अदर शुल्क है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का, और कुल मिलाकर के ₹125 आपको सबमिट करने हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए
परीक्षा शुल्क ₹40 है और ₹25 है आपका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का, तो कुल मिलाकर ₹65। दिव्यांगजन के लिए निल है, आवेदन प्रक्रिया शुल्क ₹25 देना होगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए परीक्षा शुल्क ₹40 है, ऑनलाइन आवेदन शुल्क 25, तो कुल मिलाकर के ₹65। स्वतंत्रता संग्राम श्रेणी आश्रित महिला है ना, उनकी मूल श्रेणी के अनुसार उनको दिया होगा। जैसे स्वतंत्रता संग्राम यानी जनरल का है तो उसे ₹100 आवेदन शुल्क परीक्षा शुल्क और ₹25 आवेदन शुल्क देना होगा। महिला है, जनरल की है या ईडब्ल्यूएस की है या ओबीसी की है, तो उसको उसके ग्रुप के अनुसार उतना ही शुल्क देना होगा। ठीक है, अब रिक्तियों की संख्या दी गई है। रिक्तियों की संख्या मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दी है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक पर जाकर के वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो एक एक मैंने सारी जो भी ये चीजें है ना, इनको एक एक करके डाल चुका हूं मैं, पे आउट स्केल वगैरह, तो आप वहां से देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। रिजर्वेशन, अनुसूचित जात, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तर प्रदेश अधिकार आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इस प्रकार 36 आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणी था उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिला है ना, और भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश समाज के दिव्यांग व्यक्ति, उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। यानी इन लोगों को रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। और इसमें याद रखना यूपी दिया गया है, अगर कोई बिहार का भरेगा ना तो बिहार वालों के लिए आपको जनरल में ही फॉर्म बनेगा और जनरल के अनुसार ही आपकी मेरिट बनेगी, आप चाहे जिस ग्रुप से आते हैं। यहां सिर्फ रिजर्वेशन यूपी के लोगों को दिया गया है। आ गई बात समझ में, ये याद रखना अदर स्टेट के विद्यार्थियों, बात समझ में आ गई ना यहां तक। तो जो रिजर्वेशन टाइप होता है ना वो दो प्रकार का होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक क्षैतिज होता है। ठीक है, तो क्षैतिज आरक्षण का मतलब जैसे महिलाओं को वगैरह को दिया जाएगा, और हॉरिजॉन्टल में ऊपर से नीचे के क्रम में दिया जाता है, एससी एसटी ओबीसी, जैसे 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलेगा, 10% ईडब्ल्यूएस को मिलेगा, और 14% आपको एससी को मिलेगा, 7.5% एसटी को मिलेगा। तो इस तरह रिजर्वेशन दिया जाएगा। नोट करके क्या है, एक पदों के संबंध में दिव्यांग अभ्यर्थियों के संबंध में अनुदेश दिया गया है, वो आपको पढ़ना है, हिंदी में है, प्रॉपर आ जाएगा। फिर शासनादेश जो दिया गया है उसको भी आपको देखना है। ओटीआर से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएं आवेदन पत्र पर प्रदर्शित हो जाएंगी अपने आप स्वतः। आरक्षण में छूट का लाभ लेने वाले संबंधित अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्यों में निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा जो प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं है ना, तो अंतिम रूप से उसको प्रेषित करना होगा। तो ये सारी चीजें आपको दी गई हैं सभी वर्गों के लिए। आपात कमीशन, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता केवल छूट आयु में छूट है। जो आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं या अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं उनकी पात्रता शर्तों में सिर्फ आयु के लिए छूट दी गई है, बाकी मेरिट उनके ग्रुप के अनुसार ही बनेगी। ठीक है, वैवाहिक स्थिति, आप विवाहित हो या अविवाहित आवेदन कर सकते हैं, लेकिन महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी एक व्यक्ति से विवाह किया है उसकी पहले से एक पत्नी हो तो पात्र नहीं होंगे। सपोज करो मान लिया कोई ए व्यक्ति है, ए ने एक शादी करी थी है ना, फिर आपने ए से दूसरी शादी कर ली, यानी दो पत्नी है, दो पत्नियां हैं, तो जो ये मान लिया बी है, ये सी है, जो सी वाली महिला अगर यूपी पीसीएस के लिए आवेदन करना चाहती है ना, एक पत्नी के रहते हुए आपने उसी पुरुष से दोबारा शादी कर ली, तो ये मान के चलिए आप आवेदन नहीं कर पाएंगे जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उसको सशर्त छूट ना प्रदान कर दी हो। अगर महामहिम के पास आवेदन किया जाएगा, अगर वो छूट प्रदान कर देंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता क्या होना चाहिए, देखो फॉर्म भरने के समय आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, धारित होना चाहिए। ऑनलाइन निर्धारित समय स्तंभ में अवश्य करें, किंतु कतिपय विभिन्न पदों के लिए अर्हताएं भी हैं जिनका विवरण निम्न। देखो प्री के लिए आपके पास जो सूचनाएं हैं, ठीक है, आपको स्नातक होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप आर्ट से हो, साइंस से हो, बीटेक किए हो, मेडिकल लाइन से हो, आपने सीए वगैरह किया हो है ना, तो कोई भी आपने ग्रेजुएशन समकक्ष अर्हता धारित कर रही होगी तो आप आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि सेवा श्रेणी 2 सिलेक्शन सी सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत सांख्यिकी अधिकारी के लिए, तो देखो इसको तो क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट सांख्यिकी, कृषि सांख्यिकी या सांख्यिकी, गणित सांख्यिकी, गणित
इनमें से इसको इसने क्या किया, वो पीजी करी हो पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष कोई अर्हता हो, तो ये है सहायक नियंत्रक विधि माप विज्ञान, है ना। इसने विद द्वारा स्थापित किसी महाविद्यालय विद्यालय से या विश्वविद्यालय से भिन्न किसी संस्था से किसी विधि के अधीन मान्यता या प्रेषित किया गया हो, केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भौतिकी यांत्रिक अभियंत्रण की उपाधि प्राप्त करी हो, देवनागरी लिपि में हिंदी में ज्ञान काम करता हो। उसके बाद व्यवस्था अधिकारी व्यवस्थापक राज्य संपत्ति विभाग, इसके लिए भी दिया गया है कैटरिंग टेक्नोलॉजी से या होटल मैनेजमेंट से इसने काम किया हो, है ना। स्थापित होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग टेक्नोलॉजी से स्नातक की उपाधि हो, ग्रेजुएशन हो उसका, तो ये हो सकता है। ओके, तो इसी तरह उप प्रबंधक के लिए भी दिया गया है विदेश में स्नातक होना चाहिए, सहायक निदेशक उद्योग हथकरघा में विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान में कला विज्ञान वाणिज्य प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर, ठीक, या वस्त्र उद्योग में कम से कम, है ना, स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। नोट, अर्हता वाले पदों को स्पष्ट रूप से विकल्प दिए जाने की स्थिति में उन्हें विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों में हेतु विचार किया जाएगा। मान लिया आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा, यूपीपीसीएल 2024 का, आपने कुछ ऐसे कालम आपके पास योग्यता थी, तो कुछ आलम पे, तो अगर मान लिया पीसीएस में आपका नहीं हुआ, है ना, आप डिप्टी एसपी, है ना, इस तरह के पदों पे नहीं हुए, तो विशेष अर्हता वाले जो भी पद होंगे उनको वहां पर आपको मौका मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ अनुदेश हैं, उनको पूरा करना होगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं। फिर पुलिस, अब देखो शारीरिक मापदंड जो होता है ना, खासकर पुलिस उपाधि डिप्टी एसपी के लिए, केवल पुलिस अभ्यर्थियों के लिए, आरक्षित नागरिकों अन्य पिछड़े अनुसूचित जातियों के लिए, ऊंचाई आपकी 165 होनी चाहिए, सीना फुलाए बिना फुलाए 84 होना चाहिए, फुलाने पर 89 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए हाइट की सीमा 160 है, सीना फुलाए बिना फुलाए पर 79 है और फुलाने पर 84 है। महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट 152 होनी चाहिए, है ना, जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की महिला है। अनुसूचित जातियों के लिए 179, कम से कम न्यूनतम वेतन 40 केजी होना चाहिए। जिला कमांडेंट होमगार्ड पद के हेतु पुरुष अभ्यर्थी 165, 84, 89 एज इट इज। महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट 150 है, सीना 79 और 84, नहीं ये तो लागू ही नहीं होगा महिला अभ्यर्थियों के लिए, है ना। अभ्यर्थी कुमाऊं गढ़वाल मंडलों अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी, उनके लिए हाइट की सीमा 160 रखी गई है, सीना वगैरह दिया गया, ये महिलाओं के लिए लागू नहीं होता, है ना। अधीक्षक कारागार पद हेतु, है ना, तो वही में 167 और 80.2, 81.2, 86.2 महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट क्यों कितनी है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 147, अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिए 152। उपकरापाल के लिए एज इट इज है। ओके, आयु सीमा की आप अगर बात करें, आयु सीमा में देखो आपका जन्म, अभ्यर्थियों को 1 जुलाई से आयु की गणना की जाएगी, 1 जुलाई 2024 से, तो इसका मतलब 1 जुलाई 2024 को आपको 21 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात 21 से 40 ही आपके एज बाउंडेशन आता है ना। उनका जन्म 2 जुलाई 1984 से पहले और 1 जुलाई 2003 के बाद नहीं होना चाहिए, इसके बाद पहले और इसके बाद नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ गई ना। और अधिकतम दिव्यांग जन के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष है, और उनके लिए कहा गया है 2 जुलाई 1969 के पूर्व नहीं होना चाहिए उनका जन्म। ओके, अधिकतम आयु से छूट, अब छूट किसको किसको मिलती है, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग, है ना, अभ्यर्थियों के कुशल खिलाड़ी, राज्य सरकार के अधीन राजकीय कर्मचारी, बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक, तो इन कर्मचारियों को लिए क्या है, आयु में कुछ छूट दी जाएगी। दिव्यांगजन के लिए 15 वर्ष अधिक होगी, 40, 5, 45, 55 वर्ष होगी, है ना। अन्य आपात कमीशन और वो जो अधिकारी होंगे, भूतपूर्व सैनिक होंगे, उनको इसमें क्या कर दिया जाएगा, +3 कर दिया जाएगा, ठीक है। सम्मिलित राज्य सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचना है, ठीक है, तो वो सूचना है, वही एज इट इज है। आवेदन शुल्क ऑनलाइन प्रक्रिया, वो जो मैं ऊपर बता चुका हूं, आवेदन निर्धारित शुल्क सबमिट करना होगा, सावधानी पूर्वक आपको सब कुछ करना है, जब अनुक्रमांक ये पेपर के समय के दिया गया है, तो ये तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, है ना। लिखित परीक्षा 2024 के जो निर्देश है ना, वो भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। उसके बाद
इंटरव्यू के लिए भी कुछ निर्देश दिए जाएंगे, ओएमआर मांगी गई सूचना संबंधित लोगों, है ना, तो वो भी आपको, वो बाद में ओएमआर सीट जब भरेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सामान्य निर्देश ये भी कोई काम के नहीं, जाति प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा आपका, ठीक है, और कुछ चीजें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, अब जैसे अगर पेपर की बात करें, अब देखो यहां पर दिया गया है सामान्य हिंदी परंपरागत 150 अंकों में होगा, ठीक है, निबंध परंपरागत 150 अंकों में, इसमें कोई चेंज नहीं है, है ना। 2023 में ये दो पेपर नए बढ़ाए गए, ऑप्शनल को हटा करके चार जीएस के पेपर दो दो, यानी जीएस के प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होता है, तो 1200 नंबर का ये हो जाता है, और 150 को हुए 300 कुल मिलाकर के मेंस आपका 1500 नंबर का होता है, लिखित होता है, दो तीन दिन में खत्म हो जाता है, तीन दिन चार दिन में खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये करना है, ये लिखित परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा में आपके दो प्रश्न होंगे, एक भौतिक मौखिक परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, ये तो उसके लिए तीन स्तर पर सम्मिलित किए जाएंगे, मुख्य परीक्षा पारंपरागत तो लिखित परीक्षा होगी। प्रीलिम्स पेपर में दो पेपर होते हैं, आपको पता ही है, जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड, है ना। जीएस फर्स्ट में 150 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, टाइम पीरियड इसमें 2 घंटे मिलता है, इसमें भी 2 घंटे मिलता है, ऐसे इन पेपरों में आपको 3 घंटे का टाइम पीरियड मिलता है, ठीक है। तो ये है, उसके बाद 100 अंकों का साक्षात्कार होता है आपका। अब 240 सीटें हैं, है ना, तो इस हिसाब से पिछली बार 175 रिलीज हो गए, तो ये मान के चलो 350 से 400 सीटें हो सकती हैं। अब इतनी सीटें हो जाएंगी तो ये मान के चलो 800 से 850 के आसपास लोग मेंस के लिए मेंस क्वालिफाई करके जाएंगे, और लगभग इतने ही, या इसमें 10% 10 गुना बढ़ा दो तो इतने मेंस क्वालिफाई करेंगे, सॉरी प्री क्वालिफाई करके मेंस बिठाए जाएंगे, ओके। तो इतना याद रखना। अब सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर देख सकते हैं, जीएस फर्स्ट। अब जीएस फर्स्ट में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल। देखो भूगोल पूरा नहीं पढ़ना है आपको, सिर्फ भौतिक भूगोल पढ़ना है, सामाजिक और आर्थिक भूगोल पढ़ना है, राजनीतिक शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी जिसको बोलते हैं, है ना, आधिकारिक मुद्दे, राइट इश्यूज वगैरह, तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद सामाजिक आर्थिक विकास, सतत विकास जैसे गरीबी है, है ना, अंतर्विश्व जनसांख्यिकी है, सामाजिक क्षेत्र में के इनिशिएटिव है। उसके बाद पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित सामान्य विषय, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। सिंपल सी बात, आपको यहाँ पीएचडी नहीं करनी है, आपको बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, है ना, खासकर 6 महीने का आपको पूछा ही जाएगा। उसके अलावा भारत का इतिहास, भारत के इतिहास तो आपको पता है, राष्ट्रीय आंदोलन, इतिहास अंतर्गत, इतिहास के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षों। अब यहां पर क्या किया गया, डिटेल किया गया है, जैसे हिस्ट्री पूछी जाएगी, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक घटनाक्रम, व्यापक जानकारी पर विशेष देना होगा आपको, साफ साफ कहा गया है। राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों के स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति, विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है, ओके। भारत विश्व भूगोल में आपको विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, है ना, विश्व भूगोल की केवल सामान्य जानकारी प्राप्त होगी। भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल संबंधित प्रश्न होंगे, यानी जो विश्व का भूगोल होगा वो सिंपल होगा, यानी जीके टाइप क्वेश्चन आएंगे, लेकिन भारत के भूगोल से ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे, है ना। भारतीय राजनीतिक शासन व्यवस्था में, अब देखो पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की संस्कृति, अंतर्गत देश के पंचायती राज, सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान, भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों, भारतीय संस्कृति की जानकारी के प्रश्न होंगे, यानी ये डिटेल कर दिया गया है। उसके बाद इकोनॉमिक से पर्यावरण, नगरीयकरण, है ना, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव, समस्या, उसके संबंध में परिपेक्ष, पर्यावरण से सामान्य जानकारी अपेक्षित होगी। साइंस एंड टेक में दैनिक अनुभव, प्रेक्षण संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध जानकारी पर आधारित होंगे क्वेश्चन, है ना। यहाँ सब में किसी में पीएचडी नहीं करनी है आपको,
ठीक है, तो ये करना है। सेकेंड पेपर में आपको देखो कुछ चीजें आती हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ना, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इनसे ये मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, योग्यता और निर्णयन, समस्या एवं समाधान, इससे भी करीब 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर की है ना, गणित थोड़ा सा टफ होती है ना, अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर तक, हिंदी हाई स्कूल स्तर तक, ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर के पाठ्यक्रमों के अनुसार। यानी 100 क्वेश्चन में आपको सिंपल से क्वेश्चन 40 सही करने हैं। 40 सही कर लोगे तो 100 नंबर आपको मिल जाएंगे, है ना, इतना याद रखना। नहीं, 40 करोगे तो 80 को नंबर मिलेंगे ना, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अंक गणित में नंबर सिस्टम, परिमेय अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, विभाजक, औसत, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिन पर आपको काम करना होगा। करीब 8 से 10 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। यानी मिनिमम तैयारी करके आप मैक्सिमम क्लास कर सकते हैं, है ना। परसेंटेज, लाभ हानि, ब्याज साधारण, चक्रवृद्धि, काम, टाइम एंड डिस्टेंस, काम एवं समय, चाल दूरी और समय, इनसे लगभग 10%, 10 से 15 क्वेश्चन आराम से पूछे जाएंगे। बीज गणित, रेखा गणित से भी करीब 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर पूरे सेक्शन से 30 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड इसके कि सिर्फ रीडिंग कम्प्रिहेंशन होगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होगा, पार्ट ऑफ स्पीच होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, पंक्चुएशन स्पेलिंग होगा, वर्ड मीनिंग्स होगा, वोकैबुलरी एंड यूजेस होगा, आइटम एंड फ्रेजेस, फिल इन ब्लैंक, 10 क्वेश्चन होंगे ही होंगे। 10 टॉपिक है तो 10 क्वेश्चन तो बन ही सकते हैं, ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद हिंदी में क्या है, हिंदी वर्णमाला एवं विराम चिन्ह, शब्द रचना एवं वाक्य, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द, विलोम, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशज शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा, अशुद्धियां, है ना। तो ये मान के चलो 14 टॉपिक हैं इसमें। तो अगर आप सीसैट पेपर यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको GS2 के नाम से भी जाना जाता है, इसमें अगर 75 दिन आपके पास हैं, 75 घंटे दे दोगे तो 100% मान के चलिए आप 100 नंबर कहीं नहीं गए आपके, इतना कर लोगे। ओके, तो इतना इतना आपको करना ही करना है ना। सिलेबस आपको कवर कर हो गया, आपको ये चीज पता लग गई कि कहाँ कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या फॉर्म में चीजें करनी है, आयु सीमा आपको पता चल गई, उसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, जैसे आपको फीस कितनी देनी है, कितनी योग्यता है, प्रमाण पत्र, जैसे EWS को बनाना है तो अपने तहसील स्तर पर ही बनेगा, OBS के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाना है, OBC के लिए तहसील स्तर पर बनेगा, सक्षम अधिकारी तहसीलदार होगा, है ना। तो ये इन लोगों से आपको बनवाना है। और तो बनवाने का सिंपल तरीका है, 5 दिन में बन जाते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है ना, और 200-400 रुपए में ये बन जाते हैं, तो इनको बनवा लेना। अगर आपके पास काफी पुराने हैं तो उनको यूज नहीं करना, नए बनवा लेना, अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है। अगर 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख तक ही बन के आ जाते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, 20 तारीख भी, 25 तारीख भी, तो यार एक दिन में आवेदन हो जाएगा कभी सर्वर, तो कोशिश करना कि जितनी जल्दी हो सके, बहुत ज्यादा लेट नहीं करना, क्योंकि जिले अलॉटमेंट में भी आपको दिक्कत होगी। आगे बात समझ में, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि देखो समय के हिसाब, टाइम के हिसाब से क्वेश्चन पेपर में बदलाव होता है। अब जैसे प्रीलिम्स में हो सकता है कुछ चेंज आ जाए ना, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। जैसे UPSC में चेंज हुआ, युग्म आ गए, केवल की जगह पर हटा दिए गए सारे क्वेश्चन। तो जब युग्म आ गए तो अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं, अभी तक क्या होता था, 30 क्वेश्चन एलिमिनेट कर लेते थे, अब 10 क्वेश्चन एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है, एकदम जीरो तो नहीं किया। दूसरा, मेंस में UPPCS ने क्या किया, ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया, तो हिंदी पट्टी वालों के लिए तो ठीक था, या आर्ट बैकग्राउंड के लोगों के लिए ठीक था, अन्य लोगों के लिए थोड़ा दुविधा हो गई। उसके अलावा अब इस बार से इंटरव्यू में भी थोड़ा सुधार किया गया, इंटरव्यू में क्या किया गया, एथिक्स, ठीक है, केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये है आपका प्योर नोटिफिकेशन। अभी मैं नीचे नहीं जाऊंगा, क्योंकि नीचे मुख्य परीक्षा से संबंधित सारी चीजें हैं, है ना, उनको मैं बाद में ठीक है डिस्कस कर दूंगा। परिशिष्ट सेवा नम, वो दुनियादारी आपके काम की है नहीं ज्यादातर। तो जो मेन मेन चीजें थी वह मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं, तो आज के लिए इतना ही, बाकी सारी चीजें हैं ठीक है, तो वो आपको करना है।
और फार्म के लिए कुछ अनुदेश होंगे तो मैं देख लेता हूँ। अच्छा, डिसेबिलिटी के लिए सर्टिफिकेट है, प्रारूप आपके ये हैं सर्टिफिकेट वगैरह के, तो उनको आप देख सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए सर्टिफिकेट है, कुशल खिलाड़ियों के लिए, मान्यता प्राप्त क्रीड़ा खेल वगैरह के लिए, ठीक है। और प्रारूप 3 क्रीड़ा खेल अंतर विद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए, संबंधित खेलों के प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम यानी राज्य स्तर पर, उसके अलावा और ऊपर चलते हैं दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगजन प्रमाण पत्र का प्रारूप, तो बहुत सारे लोगों के लिए। अब परीक्षा किन किन जिलों में होगी? आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, ओके। तो इन जिलों में परीक्षा कराई जाएगी। बस्ती है, बिजनौर है, बुलंदशहर है, चंदौली है, देवरिया है, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, गोंडा, हापुड़, हरदोई, इटावा, झांसी, ज्योतिबा फूले नगर, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, उन्नाव, लगभग 75 जिलों में से 51 जिलों में परीक्षा कराई जाएगी। तो कोशिश करना कि आपके जल्दी फॉर्म भर दोगे तो आपके आसपास के सेंटर अलॉट हो जाएंगे आपको आसपास में, है ना। तो सिंपल है आपके लिए, तो पेपर देने भी बहुत दूर नहीं जाना, ठीक है। 2 शिफ्ट में होगा पेपर, तो आपके लिए आराम हो जाएगी। तो इतना करना है आपको, और करने के उपरांत आप चीजों को देखेंगे कि बेहतर हुई है ना। तो परेशान नहीं होना, हतोत्साहित नहीं होना, तैयारी अच्छी करिए। 17 मार्च को एग्जाम होगा और चीजें आसान हो जाएंगी, ओके। तो आज के लिए इतने, थैंक यू वेरी मच।